गाइस मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि इतने बड़े एरिया में हमारा घर बन रहा है ना, मम्मी बिलीव नहीं हो रहा ना। बस मम्मी एक दिक्कत है, बारिश ना आ जाए। बारिश आ गई ना भाई पूरा पानी भर जाएगा यहाँ, हमको वापस डाल लेना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज सुबह सुबह सरप्राइज मिला, देखो इतने सारे आम बॉबी भैया लेके आए हैं अपने फार्म हाउस से। तो थैंक यू बॉबी भैया, अब मस्त खाएंगे। देखो इतने सारे आम हैं, अभी तो और पड़े हैं ना, बहुत सारे अभी तो 10-12 पेटी और हैं। चलो पहले इनको खाते हैं, इनसे मन भर जाएगा हमारा, इतने सारे हैं ना ये। तो गाइस ये आम है बिल्कुल ऑर्गेनिक आम है, ये बिना किसी दवाइयों का बिना किसी चीज़ का खुद पका हुआ आम है। तो गाइस ये देखो बॉबी भैया के इतने सारे आम बर्बाद हो गए, ये आंधी में गिर गए सारे, इतने सारे आम गिर गए। कितने के होंगे आम? ढाई तीन लाख का नुकसान हो गया गाइस। देखो इतने सारे आम, तो फार्मर्स को तो नुकसान होता ही है ना। तो अब सारे आम को रखते हैं टोकरी में। अरे ये देखो, अरे दिल की शेप, तो पूरी टोकरी भर गई है। अब इसको रखते हैं मस्त, एक एक करके खाते रहेंगे। तो फिलहाल खाना खाते हैं, आज बने भटके डुबके और चावल, मस्त पहाड़ी खाना। तो फिलहाल मम्मी का हाथ सेकते हैं, वो भी बर्फ से। डॉक्टर ने बोला कि बर्फ से सेकना है, यहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम है ना मम्मी के हाथ में, इस वाले जोड़ में। मम्मी कहना यहाँ पे मांस फटा हुआ है इसके अंदर, तो इसको मूव करने में पेन होता है। तो डॉक्टर ने बोला बर्फ से देखना, बर्फ जमी हुई है इससे करना है। बाय द वे गाइस आज से हमारे घर का काम शुरू हो चुका है फाइनली, अभी जल्द दिखाऊंगा कितना काम हो रहा है। तो भी गाइस चल रही है ओरियो की मालिश बहुत दिनों के बाद। इस तरह से लाते रहो बस, इसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसको। देखो जब पूरा दिन ऐसे ही करते रहो, मालिश करते रहो पूरा दिन इस तरह से, पूरी बॉडी की जितने बाल है सब निकाल दिए। बाल नहीं निकाल रहा है, मालिश कर रहा हूं। ले अपने अपने पैंट दे। अरे कोई बात नहीं, उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन तेज तेज ऐसे नहीं करना, गुस्सा करेगा तो। भाई पीयूष सुबह से सोया हुआ, लिटरली सुबह से सोया हुआ ये, मतलब उसकी छुट्टियां क्या पड़ गई, पूरे दिन भर सो रहा है, कोई होमवर्क नहीं कोई कुछ नहीं, बस सोया, सोना सोना सोना। दिखाओ साहिल और मम्मी जी, ये किसने बनाया, नाम क्या है? ARTI, थैंक यू सो मच जिसने बनाया। तो मालिश के बाद मम्मी जी निकाल रहे हैं इसके बाल, तो बाल इस तरह से निकलते हैं। देखो दिखाइए, दिखाना, ये देखो भाई ऐसे निकलते हैं इसके बाल, गुच्छे ही गुच्छे। तो ये निकालने पड़ते हैं, तो पूरे घर में उड़ते रहते हैं। तो गंजा करें, स्विंग गंजा करें, करना चाहिए गाइज, कमेंट करता है गंजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन प्यारे बाल हैं यार इसके, मन नहीं करा गंजा करने का। गाइज आज घर में पूरी शांति हो रही है बिकॉज कुनाली नहीं है ना, कुनाली मायके गया हुआ अपने, कुनाली और चाची, इसीलिए। तो पीयूष कुनाली लड़ते रहते हैं भाई, पूरे घर में आवाज होती रहती है। आज देखो बिल्कुल शांति हो रही है, इसलिए पीयूष सो गया भाई, पीयूष पूरा दिन सोया हुआ है इसलिए। तो गाइज अभी आ चुके अपने प्लॉट में जहाँ पे घर बन रहा है। देखो यहाँ पूरा खोद दिया है नीचे, तो यहाँ पे हमारा पहाड़ भी बन रहा है घर में। देखो कि पहाड़ बन गया ना, और यहाँ पे किस तरह घर बन रहा है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, है ना मम्मी? सरप्राइज, पूरा डिजाइन चेंज है घर का। तो वो देखो, मतलब पहले ऐसा नहीं था, पूरा चेंज कर दिया हमने, लेकिन नेक्स्ट लेवल है, जो भी है नेक्स्ट लेवल है गाइस। थोड़ा और खर्चा आएगा, फिर सारी मिट्टी हम वापस डाल देंगे इसमें, सारी मिट्टी, फिर इसको पूरा भर देंगे हम। तो देखना कुछ खतरनाक ही बनाएंगे, कुछ यूनिक, यूट्यूब वाला घर बनेगा हमें, है ना, यूट्यूबर वाला घर बनेगा गाइस। अब दोबारा पूजा करनी पड़ेगी हमको इनकी, एक बार काम रुक गया था ना, तो अब से गुण होता है काम रुकना, तो दोबारा से पूजा कराएंगे और फिर अच्छे से। गाइस मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि इतने बड़े एरिया में हमारा घर बन रहा है ना मम्मी, बिलीव नहीं हो रहा ना। बस मम्मी एक दिक्कत है, बारिश ना आ जाए। बारिश आ गई ना भाई पूरा पानी भर जाएगा यहाँ, हमको वापस डाल लेना बनने से पहले बारिश ना आए, बस स्टार्ट होने से पहले ना, ये खड्डे भर जाए ना। हाँ गाइस साहिल के लिए पूरा स्टंट का एरिया बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे साहिल पूरा स्टंट कर सकता है, जिमनास्टिक यहाँ भी कर सकता है, लेकिन घर के अंदर भी बनेगा पर्सनल तेरा, जहाँ पे तू पूरा जितना उछलना हो तेरे को, कूदना हो, जो करना हो कर लियो। अब साहिल आपको यहाँ से कूद के दिखाएगा नीचे। अब मम्मी आप इसलिए आप हो, इसलिए आइए देख। अरे आप नहीं होते ना, ये पक्का कूद जाता नीचे, ठीक है, सिंपल होता, कूद जाता वो देख। अरे कुछ भी हो आपको पता नहीं है, आपकी गहराजरी में कहाँ कूदता है, कैसे कैसे कूदता है। अभी आप खड़े हो इसलिए नहीं कूद रहा हो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। और अब गाड़ी गुड़ी की मत सोचना, अभी जब तुम्हारा घर नहीं बनता है तब तक गाड़ी की मत सोचना, क्योंकि हमारी गाड़ी रखने को जगह नहीं है, जब जगह हो जाएगी उसके बाद गाड़ी का सोचना है, ठीक है। गाड़ी के बारे में बिल्कुल मत सोचना जब तक घर नहीं बनता है। एक स्पोर्ट्स कार तो लेनी है? नहीं नहीं बेटा नहीं, स्पोर्ट्स कार नहीं, कह दिया तो मैंने नहीं कह दिया, ठीक है, अगर मेरी मानेगा तो नहीं लेनी है। मम्मी जी को मम्मी के दोस्त मिले, हमको छोड़ दिया मम्मी ने, देख लो गाइस मम्मी ने हमको छोड़ दिया, मम्मी को मम्मी के दोस्त मिली, मम्मी बात पे लग गया, बात मम्मी की बातें खत्म ही नहीं हो रही, हम यहाँ पे इतनी देर से खड़े हैं भाई। देख लो गाइस मम्मी आई नहीं रही, हम चल दिए, मम्मी आई नहीं रही, ये नहीं अपने बेटों के साथ में आ जाऊँ। मुड़ के देखो मम्मी मम्मी देख ही नहीं रही है, हम स्लो चल रहे हैं ताकि मम्मी आ जाए, आई नहीं रही मम्मी। गाइस औरतों की बातें, घर बनने की खुशी में आज चले पार्टी करने, आज कैडेक चलते हैं सभी पूरी फैमिली। तो जाने से पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे पूरी फैमिली।
हमारा ओरियो पूजा भी करता है, शंख भी जाता है। देखो तो भी जाने के लिए रेडी है पूरी फैमिली। तो भी घर से निकल गए। ऐसे नहीं करना जी बड़ा, ऐसे कहते हैं ऐसे। कमन कमिन भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे जो भी ले आया ऊपर, हमारा घर बनना शुरू हो गया आज से, उसकी पार्टी के लिए आया। बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे भाई लोग भी आए हैं देखो, हांसी हरियाणा से। दाल रोटी पनीर और मशरूम मिस्सी रोटी। तो गाइस मस्त डिनर पार्टी हो चुकी है, अब चलते हैं सीधा घर। गाइस आजकल कहीं भी चले जाओ गुलदस्ता मिल जाता है प्यारा सा। देखो थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, और साथ में एक और गिफ्ट मिला। तो भी गाइस घर पे आ गए हैं और यहाँ पे चल रहा है मैच, मस्त लास्ट मैच है चेन्नई गुजरात का। देखते हैं अब की बार का आईपीएल चेन्नई जीतती है गुजरात जीतती है। तो देखो यहाँ पे देखो पापा जी यहीं पे सो गए भाई, यहीं पे बेड लगा लिया अपना मैच देखने के लिए भाई स्पेशली। तो होपफुली चेन्नई जीत जाए क्योंकि चेन्नई सबकी फेवरेट है। तो मस्त यहाँ बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साहिल यहाँ पढ़ते पढ़ते देख रहा है, लेकिन पीयूष सो गया वहाँ। 16 में 28 रन चाहिए, 28 रन बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे 28 रन। ये मारा एक और उसका भाई, मम्मी उठ गई। अकल नहीं है क्या तुम्हें? मम्मी लास्ट मैच है आईपीएल का, रात को ये सोने देना ना कुछ। लास्ट आईपीएल का मैच है, लास्ट। सॉरी सॉरी, हमारे से बढ़ के मैच है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? नींद वैसे ही नहीं आती है और नींद खराब कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ मेरे को जस्ट हुई, मैंने कहा ये रात में बोल क्यों रहे हैं जी। हम मैच देख रहे हैं, हम एक्साइटेड हो रहे हैं, मम्मी गुस्सा होगी। ओरियो भी देख रहे हैं, देखो धोनी का लास्ट आईपीएल है ना, जीतना चाहिए। धोनी की पहली गेंद, धोनी भी आउट, धोनी भी आउट, आउट, धोनी आउट जीरो पे। ये कैसे हो सकता है? ओ भाई पापा जी लेटे लेटे उठ गए। देखो गाइज लाइफ में कुछ भी हो सकता है यार। हम सोच रहे थे उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाएंगे, लेकिन देखो धोनी सर आउट हो गया यार। देखो कैसे देख रहे हैं भाई, दो छक्के मार दो जीत जाएंगे, सिर्फ दो छक्के चाहिए। चार बॉल रहेगी, सिर्फ चार बॉल रहेगी, चार बॉल में 12 रन, दो छक्के मार देंगे ना तो ही जीतेंगे। अगर वो दो छक्के धोनी सर मारते ना बेस्ट रहता भाई, धोनी सर जिताते मजा आता यार। 3 बॉल 11 रन पापा जी, या तो 3 चौके चाहिए या 2 छक्के चाहिए तभी जीतेगी, अगर 1-2 रन बनाएंगे तो नहीं जीतेगी। 2 बॉल 10 रन, 2 छक्के चाहिए, 2 चौके से भी काम नहीं होगा अब तो। अब अगर इस बॉल पर छक्का नहीं लगा तो बस भाई लास्ट बॉल कभी नहीं हुआ भाई। लास्ट बॉल पे 4 रन चौको, जीत गई भाई। ओरियो भी उठ गया गाइस, फाइनली धोनी सीएसके फाइनली भाई। क्या इंटरेस्टिंग मैच था भाई, मजा आ गया। चलो अब सो जाओ भाई, क्या मैच था यार। धोनी सर तो आउट हो गए थे भाई पहली बॉल पे कैच पे, तो मतलब ऐसा लग रहा था कुछ क्या ही होगा। मतलब 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, फिर छक्का लगा, फिर चौका लगा, मतलब फाइनली चेन्नई जीत गई भाई। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मम्मी जी चेन्नई जीत गई, सॉरी मम्मी, सॉरी आपको परेशान कर दिया, लेकिन सॉरी मम्मी यार, सॉरी। Time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that.